नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश ऑनलाइन में। अमेरिका के वो राष्ट्रपति जो चुनाव हारने के बाद भी नहीं छोड़ रहे थे व्हाइट हाउस। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन की जंतोजहद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत का रास्ता स्पष्ट हो गया है। न्यूज़ एजेंसियों और CNN ने भी जीत का प्रोजेक्ट कर दी है। आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को इस चुनाव में जीत हासिल हुई है और वह देश के 46th राष्ट्रपति होंगे। लेकिन आज हम आपको साल 1800 में हुए राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एडसन को साल 1800 में हुए चुनाव में हार मिली थी। उनके प्रतिद्वंदी थॉमस जेफरसन ने जीत हासिल की थी, लेकिन हारने के बावजूद भी जॉन ने अपना कार्यकाल उनको सौंपने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, थॉमस के शपथ ग्रहण समारोह में भी जॉन शामिल नहीं हुए। इस समारोह में व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी नहीं जा सके। जॉन एडसन जीत पर अड़ गए। ऐसे वे वो ना ही व्हाइट हाउस छोड़ रहे थे, ना ही अपना कार्यभार थॉमस को सौंप रहे थे। इसके बाद उनके साथ जो हुआ वो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जॉन से प्रेसिडेंशियल स्टाफ ना बदलने और उनको सौंपने का एक कार्यकाल शुरू हुआ। इतना ही नहीं, उनकी सारी सिक्योरिटी भी हटा दी गई और चुनाव हार जाने के बाद व्हाइट हाउस में जमे जॉन की मिलिट्री, CIA, FBI और व्हाइट हाउस स्टाफ ने उन्हें नज़रबंद करना शुरू कर दिया। आखिरकार खुद को अपमानित होता देख जॉन ने हार स्वीकार की। आधिकारिक तौर से उन्होंने 4 मार्च 1801 को कार्यभार थॉमस को सौंप दिया था। तो ऐसी ही दिलचस्प और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।